70 বছর বয়সে ডান্স করছে? गुड इवनिंग सर। हेलो मैम, गुड इवनिंग। सर मेरा आज का मेरा क्वेश्चन है, स्केचेस करते वक्त पहले या मैकेनिकल पेंसिल के करके वो उसको डार्क करते हैं ना, जो विच आर द लाइंस यू वांट टू कीप, वो डार्क करने के लिए कौन सा पेंसिल यूज करना? किसके लिए? मैकेनिकल पेंसिल या कौन सा पेंसिल मैम बोले आपने? कौन से पेंसिल्स के स्केचिंग के लिए यूज करना है इनिशियल लाइंस के लिए, और कौन सा पेंसिल से वो फाइनल डार्क करते हैं ना, उनको नॉट शेडिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं ना फाइनली, जो आपको रखना है। और शेडिंग के लिए दूसरा कोई पेंसिल यूज करना है कि सब एक ही जैसे? तो आई वांट टू, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टूल्स पेंसिल्स। आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं क्या फेस कर रहे हो आप? बहुत लाइट, व्हेन आई टेक द फोटो इट कम्स वेरी लाइट। पेपर में थोड़ा उतना भी लाइट नहीं दिखता, लेकिन फोटो लिया तो बहुत ही लाइट दिखता। तो कैमरा का प्रॉब्लम है कि पेपर का प्रॉब्लम है? पता नहीं सर, आप ड्रॉ करते हो इतना क्लियरली दिखता है ना, तो शुड आई चेंज द पेंसिल? आई एम आस्किंग। आपके पास कौन सा पेंसिल है? मेरे पास 2B, 4B, 6B, 10B, 12B और मैकेनिकल। ब्रांड नेम? अप्सरा। ओके। मैकेनिकल कोई फॉरेन ब्रांड है? अच्छा वाला आपने बोला, वही स्टेडिलर लीजिए, स्टेडिलर। पता नहीं सर, आई कांट रिमेम्बर द नेम है। मेड इन जर्मन। तो यहाँ पे मैं ग्रुप में भेजता हूँ तुरंत। पेंसिल अभी मैंने स्टेडलर लिया है, आई थिंक 10B, 12B। हाँ तो और क्या चाहिए फिर? तो डार्क करने के लिए 10B, 12B यूज करना है, ये शेडिंग के लिए यूज करना है। शेडिंग भी, लाइन भी, पेंसिल्स के ड्राइंग शेडिंग जो हार्ड होगा वो फाइन लाइन के लिए काम आ जाएगा, और जो सॉफ्ट होगा जैसे मोटा जो हो रहा है वो हमें शेडिंग के लिए काम आएगा, इतना ही है ना? ओके सर, थैंक यू। तो वो स्टेडिलर जो है काफी अच्छा पेंसिल है वो, और कुछ नहीं चाहिए। गुड, नाइस ड्राइंग। थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ पे हल्का कम होता। यहाँ पे भी एक्चुअली शेडिंग है। शाना, ठीक है ना? कक लीजिए आया नहीं, बट अच्छा ड्राइंग किया। लक्ष्मी मैम आपका है ना ये, हल्का सा जो राइट आंखों का जो लाइन है हल्का सा उठ रहा है, हल्का सा। जी सर, हाँ रियलाइज चलेगा, उतना भी प्रॉब्लम नहीं है, बट काफी अच्छा है आपके तो पोर्ट्रेट, अच्छा है, गुड।
यहाँ पे लाइन हार्ड नहीं, थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट कर दीजिए लाइंस को, और ज्यादा मतलब ऐसे ऐसे में ऐसे कर दीजिए उसके साथ, ठीक है। ये पहले किया सर, प्लीज इग्नोर। अच्छा अब इन सब कुछ दो तीन कर। हाँ हाँ जरूर जरूर, सामने वाला पार्ट काफी अच्छा हो रहा है ये। ये फेस थोड़ा ऊपर, मतलब इट इज वो एक्चुअली वो आपने जो दिया है रेफरेंस वो नीचे देख रहा है, ये थोड़ा एंगल में देख रहा है, लग साइड में देख रहा है लगा, इसके लिए फिर से किया। ओके आएंगे इसके ऊपर भी, ये वाला थोड़ा सा जैसे ये फिगर की पार्ट के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आएगा ये साइड वाला, ठीक है लक्ष्मी मैम, थोड़ा साइड वाला ज्यादा आएगा क्योंकि ये काफी बड़ा फिगर हाँ, है। एक्चुअली मुझे भी वैसा लगा सर, लेकिन रेफरेंस में ऐसा है तो मैंने, मुझे लगा शायद वो एंगल से मैं, मुझे आई शुड डू इट, ये रॉन्ग है, समझ में आ रहा है कैसे करना है, समझ में नहीं आया सर। मैं देखता हूँ और ज्यादा वो काम करके फिर निकलेगा। ओके सर, ओके गुड, अच्छा ड्राइंग है मिकी मैम का। ये सभी ने, ये जो गर्दन है सभी का काफी चौड़ा दिख रहा है, रेफरेंस में भी है ही थोड़ा सा, जिसके वजह से काफी चौड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा कम हम अपने से भी कर सकते थोड़ा सा इतना। गुड, अच्छा ड्राइंग है। नेहा जी आए क्या? ये बाजू ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये कट है ना, ये ठीक से नहीं हुआ, तो ये शोल्डर का लाइन था दिए से जाएगा, ये एरिया अच्छा हुआ। असिता मैम का ये अगर गर्दन ऐसे तो यहां से ऐसे जाएगा, मतलब इतना ऊपर का थोड़ा कम हो रहा है ये पार्ट। बताते इनको। ओके थोड़ा सा राइट में एरिया कम पड़ गया। स्वाति जी आगे, तो लक्ष्मी मैम देखिए यहाँ पे जो इस फिगर के जो ड्राइंग है ना कैसा है, अगर हम इसे थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे कैसा है कि ये जो लाइन चल रहा है शोल्डर का लाइन किस एंगल में चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, देख रहे हो थोड़ा ऊपर की तरफ, तो इससे पहले जिनका मैं देखा था काफी डाउन ऐसे जा रहा था, तो ऐसा करके हम इसे अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है सहाना। तो देखो ये शोल्डर का लाइन पहले किस दिशा में गया ऊपर, तो ऑलरेडी हमें एक यहाँ पे देखो बॉक्स मिल रहा है राइट, कपड़े के लाइन से बॉक्स okay, ऐसे करके भी हम समझ सकते हैं, यहाँ पे कर्व लाइन है बट हम बॉक्स के जरिए भी इसे हम अगर ले लें तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो हर चीज हम बॉक्स ओवल इन चीजों से हम जोड़ सकते हैं। अच्छा उसके बाद ये जैसे ये लाइन आता है फिर यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाला एरिया कितना है, ये थोड़ा सा कम है बट उतना कम नहीं है, आप लक्ष्मी हम ये यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका जो चौराई है अभी अभी देखते है ना, इसका जो चौराई है देखो काफी ज्यादा है, मतलब जैसे ये फिगर के साथ कनेक्ट हो रहा है ये वाला हिस्सा, तो वो कम हो गया, और थोड़ा सा जो बॉडी का जो
बिहेव है, जो एक तरफ जो हिला हुआ है ना, उसको सपोर्ट लेते हुए इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है, तो वो इस एंगल्स पे आपको रखना है पहला। तो फिगर सीधा होने से भी अजीब सा लगेगा, उसका जो बैठने का जो वो नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। तो ये एंगल्स भी हमें देखना है, ठीक है। ओके, पोर्ट्रेट के अंदर क्या हो रहा है? ये थोड़ा सा लाइन जो है, आंखों का लाइन कैसा है? अच्छा सॉरी, आंखों का लाइन देखो ऐसे राउंड अप में जा रहा है, महसूस हो रहा है लाइन्स? आंखों का जो लाइन्स है ऐसे गया, तो आंखों का ये जो कॉर्नर है कुछ लाइन ऊपर आ रहा है, बट वो लाइन क्या अच्छी तरह देखो बेंड है ना, स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं है, किधर भी नहीं है स्ट्रेट लाइन, हाँ तो वो हम महसूस कर सकते। कि ऐसा क्यों होता है? चेहरा जो ऊपर की तरफ उठता है ना थोड़ा, जैसे ये नीचे का ये वाला पार्ट देख रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, ये चीजें ऐसे ऐसे नजर आते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हल्का सा ऐसा है हो गया, तो स्टार्ट इससे यहाँ निकाल दो, इससे यहाँ निकाल दो और इसे जोड़ दो, तो क्या हो रहा है फिर, ये एक ऐसा राउंड शेप में जा रहा है। नोज का भी ये भी थोड़ा सा ऐसे ही जा रहा है, मतलब और देखो होंठों भी ऐसे ही जा रहा है, तो हर एक लाइन फिर वो उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है। ये लाइन भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, तो सारे लाइंस क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। दूसरा, असिता मैम ने जो गलती किया, ये जो सेंटर है, सेंटर के बाद ये वाला पार्ट, इसके बाद ये वाला रखा है आपने, बट यहाँ पे आंखों के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है आपने नहीं रखा असिता मैम ने। असिता मैम आए क्या? अंतरदीप तुम्हारा काम कहाँ है, किया है कि नहीं? ठीक है, और जैसे ये चेहरा यहाँ से जा रहा है तो गर्दन यहाँ से है, फिर पतला हाँ हाँ लगेगा। एकदम चल चलो ओके, तो एग्जाम खत्म कब हुआ? अरे শনিবার হয়েছে মামা, একটা কাজ করেছি আমি পাঠাচ্ছি না। हाँ, तो देख লো আপ, ऐसे थोड़ी है एक महीना तक चलता रहेगा अभी एग्जाम हुआ करके। ओके, ये जो ड्राइंग है, काफी खूबसूरत है कि कुछ राउंड कुछ ओवल हमको दिख रहा है, जैसे कि आप सपोज यहाँ पे एक देखो है ना, यहाँ पे एक ओवल सा राउंड सा है जिसके अंदर ये सामान है, तो ये इतना बड़ा एक देखो अंडा यहाँ पे बना लेंगे ना, इस डायरेक्शन में एक अंडा बनाने से भी हो सकता है। दूसरा है कि ये वाला जो ये देखो, तो ये जो कितना मोटा है और धीरे धीरे यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे फिर एक राउंड डालो, ये गया फिर यहाँ पे एक राउंड डालो, तो ऐसे करके अगर हम समझते हैं ना वो चीजें क्या होता है, इजी हो जाता है। अभी जैसे आशिता मैम ने किया था, यहाँ से ऐसे चला गया, तो ये ऐसे राउंड घूमेगा तो बढ़िया है ना, फिर पहले ही राउंड घुमा। अभी देखो तो ये लाइन हटा दिया तो वो पता नहीं चला क्या है, बट इन लाइन को जोड़ो, तो ड्राइंग करने से पहले आप ऐसे भी समझ सकते हैं इनको, है ना, कि कैसा आसान हो सकता है। देखो यहाँ पे एक अंडा है ना लक्ष्मी मैम, अंडे का दिशा कहाँ है, ऐसा है। एग्जैक्टली ऐसे ही किया। हाँ, अंडा ऐसे भी नहीं है, अंडा ऐसे नहीं है, अंडा का जो दिशा है ऐसे ही पड़ा है, तो वैसे देना पड़ेगा। फिर अंडे के देखो ठीक बीचों बीच में से, अगर यहाँ पे सेंटर है तो बीच में से वो जाके ऐसे जा रहा है, तो ऐसे करके भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखना है कितना हाइट कैलकुलेट करना है, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हाइट हो रहा है, ये यहाँ से यह कितना हाइट हो रहा है, तो तकरीबन इतना जैसे ये हाइट है। फिर ये देखना है, फिर इससे थोड़ा सा कम है तो मुड़ गया, फिर ये यहाँ से कितना ये हाइट है, ये आप कहीं से भी नाप सकते हैं, आप नाप के देखो इतना होगा, तो वही आपके ये आपका रेफरेंस बन गया अभी एक बार अंडा बनाने से, तो उसी के आधार पर देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना साइज हो रहा है, तो यहाँ से आपको उतना ही शायद पाँव का जो साइज है ये इक्वल होगा, तो ऐसे करके आप कैलकुलेट करके भी हम उसे देख देख सकते हैं। चलो फिर पेपर पे चलते हैं अभी, उसके बाद पूरा रिव्यू करेंगे।
क्या है कि थोड़ा थोड़ा ड्राइंग करना पड़ेगा, जैसे आप ड्राइंग करते हैं थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, मतलब एक सेकेंड। ये दिख रहा है आप लोगों को? अजय मैम ओके तो यहाँ पे क्या करूंगा कि थोड़ा बहुत तो उसके डायरेक्शन पहले समझने की कोशिश करूँ। डायरेक्शन क्या हो रहा है कि सीधा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे साइड में है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, सॉरी कितना है यहाँ पे समझो, थोड़ा सा है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि आपको देखना कि राउंड है कहीं, तो राउंड यहाँ पे मान लो एक राउंड है यहाँ पे, ये वाला राउंड जो है टोटली, राउंड के बाद ये नोज वाला जो आता है, फिर आप इस तरह से इसे जोड़ सकते हैं। ये मतलब यहाँ से अगर राउंड यहाँ पे आ गया तो उसके बाद थोड़ा सा एरिया जो बन जाता है ये वाला एरिया, ऐसे करके आप डाल सकते हैं, एक बेसिक इस तरह से आप डाल सकते हैं। सॉरी कुछ बोले क्या मुझे? ओके तो क्या किया पहले, एक राउंड जो देखा मैंने ये इसके अंदर, ये राउंड मैंने ड्रॉ कर दिया। इस राउंड के बाद क्या किया, इस ये राउंड होने के बाद ये साइड में ये जो गालों का ये निकाला, फिर ये चीन के लिए आ गए इधर। अभी हमारा जो पोर्ट्रेट का जो फेस का जो चेहरा कहाँ से है वो आप देख सकते हैं कि मतलब इससे अगर इस सेंटर करे तो इस एरिया में है, सेंटर के ऊपर है, तो यहाँ से अगर एक चलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटर निकलते हैं, तो सेंटर हम यहाँ पे निकाला। उसके बाद क्या हो रहा है, इन दोनों का सेंटर हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों का सेंटर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो फोल्डिंग आ रहा है। तो ऐसे अंदाजा लग पा रहा है कि ये यहाँ पे नोज हो रहा है, तो ये जो टोपी का लाइन्स है कुछ इस एरिया से जाएगा। तो इसके मतलब टोटल जो ये है इसके सेंटर निकाला, तो सेंटर जैसे ही निकाला तो फिर हमें मालूम चले यहाँ पे नोज है, और उसके बाद जो ऊपर ऊपर जो है आंखें वाखे वो है। अच्छा थोड़ी देर पहले हमने जो बात कर रहे थे कि ये जो लाइंस है आंखों का लाइंस कुछ इस तरह से बेंड है, तो हम भी बेंड कर दिए थोड़ा। ओके तो बेंड करने के बाद ये हमारा आंखों का लाइन हो गया। उसके बाद आईब्रो भी है ऊपर, तो आईब्रो के लिए भी आप यहीं पे थोड़ा सा टच दे सकते हैं। ओके नोज, अभी जो नोज है इस लाइन पर आपको नोज को रखना है। नोज को कैसे डिवाइड होता है कि ये आईब्रो से लेकर के तीन भाग होता है ना, यहाँ से आईब्रो से, आईब्रो से दो भाग होगा नीचे, उसके ऊपर एक पार्ट होता है जो फोरहेड का, मतलब तो आईब्रो से लेकर के जो फोरहेड होगा एक पार्ट होता है, आप आईब्रो से लेकर के नोज और नोज लेकर के दाढ़ी वाला, ऐसा करके डिवाइड होता है। देखना होता है कि चेहरा अगर थोड़ा उठता है तो भी नोज छोटा होता है, चेहरा झुकता है तो नोज छोटा होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। हम उतना डीपली नहीं जाएंगे, अभी बेसिक में चलेंगे, ठीक है। तो इस एरिया में उसके जो नोज है, नोज का जो एरिया है क्या हो रहा है कि जो नोज का एरिया है उसकी आंखों से आंखें स्टार्ट होता है उस एरिया से, जो नोज का जो चौराई उस एरिया से उसके आंखें जो है स्टार्ट होता है। ओके तो कहने के मतलब यहाँ पे जो एक स्पेस मिलता है, मतलब पांच टाइम आंखें बनता है जिसमें से बीच वाला जो स्पेस मिलता है
उतना चौड़ा नोज होता है नीचे, बट यहाँ पे जॉइंट एरिया में थोड़ा पतला होके फिर नीचे आता है इस तरह से। क्लियर हो रहा है एक एक चीज? यस सर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली क्या होता है, पांच पांच आंखें आता है, अगर फ्रंट में कोई देख रहा है पांच आंखें आता है, तो उसमें से बीच वाला छोड़ दो, बीच वाला जो हिस्सा होता है वो नोज उतना ही चौड़ा नीचे उतरता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से जैसे आईब्रो के बाद हम दो भाग होता है नोज का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है दो भाग होता है, एक में यहाँ नोज का एंड होता है, चेहरा थोड़ा उठता है तो नोज छोटा हो सकता है बहुत हल्का फुल्का। तो बेसिक भी आप थोड़ा रूल फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा एरर नहीं आएगा। ये सेंटर वाला जो नोज का है ये थोड़ा बड़ा होगा और साइड वाला थोड़ा छोटा होगा, तो पहले ही बड़ा वाला एक डाल दो यहाँ पे ताकि वो बीच वाला छोटा होने के चांसेस ना हो। फिर हम देख सकते हैं कि ये वाला एरिया जो है इनके वो अलग अलग लोगों का अलग अलग ये वाला जो है कम ज्यादा होता रहता है, तो वो भी देखना है। और देखो यहाँ से ये भी टर्न ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो वो कितना अब नोज के बाद होंठों का वो छोड़ना है वो देखते हुए फिर हम इस लाइंस को कर देते हैं। और ये दाढ़ी जो यहाँ पे कटिंग है, कटिंग के बाद भी वो नीचे का जो मांस है मसल है जो नीचे का वो भी यहाँ पे दिख रहा है नीचे का। और यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा था कि जो जो टोपी आ रहे है एकदम स्टाइल के साथ, इसके नीचे हेयर वाला पार्ट नहीं बना रहे, तो यहाँ पे जो इसके नीचे हेयर वाला पार्ट है ऐसे बनेगा ये, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत है जो कि दिख रहा है। तो कभी भी आप गर्दन बनाते तो ये जो आ रहा है इसके अंदर रखना है, इसके बाहर मत चले आना, तो ये जो लाइन्स आ रहा है इसके अंदर ही आपको ये जो गर्दन का लाइन मिलेगा, नहीं तो क्या होता है वो काफी हेवी गर्दन हो जाता है। तो जैसे ये लाइन्स यहाँ आपको महसूस करो कि ये लाइन्स कहाँ से जा रहा है, उसके बाद जो हेयर पार्ट है वो तो है ही है, बट ये लाइन कहाँ तक जा रहा है उसके अंदर से आपको ये गर्दन वाला लाइन्स रखना है, तो क्या होगा फिर वो मोटा नहीं होगा ज्यादा। ओके, ये काट होता है, ये जो कटिंग होता है इसे भी दे दो ताकि उसके चेहरे में हंसी जो भी है एक्सप्रेशन वो भी आपको दिखता है। ये जो कटिंग है ये कुछ कुछ चीजें जो इस रेफरेंस के पास लेके जाएगा, यहाँ पे कुछ शेडिंग्स है जो कि दिख रहा है, तो बहुत मोटे मोटे उसमें चल रहा हूँ मैं अभी। ओके ओके, तो आंखें आंखें जो है मैंने यहाँ पे जैसे साइज लिया, यहाँ से आंखें के लिए मैं स्पेस छोड़ दिया, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकते इधर उधर एडजस्ट, तो इसलिए आपको क्या करना है स्टार्टिंग में आपको हल्का लाइन से करना है काम। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि नोज के ऊपर से ऐसे शेडो ऐसे करके निकल रहा है, तो ये जो राउंड से आपको महसूस कर देते हैं नोज वहां पे कितना पतला है, अभी फाइनली हमें अगर थोड़ा कम पड़ रहा है इस एरिया तो इस टोपी को थोड़ा ऊपर कर दिया। इतना फॉर्मेट होने के बाद आप इसके ऊपर अभी डिटेल में जाओ कि उसकी आंखों में एक एक चीज कैसे है, आईब्रो कैसे है, ये सब उसके बाद आपको डिटेल में जाना, पहले यहाँ तक आपको बेस क्रिएट करना है उसके बाद आप उसके अंदर जाएंगे। शेडिंग जब भी आता है आप ट्राई करो शेडिंग देना, उससे क्या होता है
आपको क्या होता है कि वैल्यू का समझ आता है, मतलब कलर वैल्यू की कितना लाइट एंड शेडो होना चाहिए, ये आपके जहन में धीरे धीरे फिट हो जाता है। देखो यहाँ पे ये जो मैं नोज का ये जो लास्ट काटिंग, कहाँ कितना उठना है, घूमना है, इसी से क्या होगा आपके वो नोज की जो पतला, ये यहाँ पे जो पतला हो रहा है वो महसूस करा देता है, ये जो घुमाव लाइंस। तो जैसे झुका हुआ ना आंखें दोनों तरफ, इस तरह से हम भी थोड़ा झुका देते इसको। ओके आंखें जो आईबॉल है, वो आईबॉल जो आता है उसके सिद में क्या होता है, होंठों का एंड आता है उसके सिद में, होंठों का जो एंड है उसके सिद में आता है, याद रहेगा। पेंसिल में आप स्टेडिलर पेंसिल ऐसे यूज कर सकते हैं, आप आर्ट लाइन का पेंसिल यूज कर सकते हैं, जो भी सॉफ्ट आपको बजट के हिसाब से मिल रहा है आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चारकोल भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा काजल सा महसूस हो रहा है आंखों में, लगा देते हैं। शेडिंग, शेडिंग कितना है, दोनों आंखों के पलकों को आधा आधा बुझाओ, दोनों आंखों के पलकों को आधा आधा बुझाओ तो एक टोटली लाइट हाईलाइट निकलेगा और एक डार्क निकलेगा। तो जितना डार्क आप देख रहे हो उतना आप यहाँ पे प्लेस करो, डालो यहाँ पे। सहना मैं क्या बोला, समझ में आया? उससे क्या होगा कि आपको कितना शेडिंग शेडो में है वो आपको महसूस हो जाएगा। जैसे कि मैं इस वक्त कर रहा हूं, मैं मेरे आंखों के जो पलकों के पलके हैं आधा आधा बुझाता हूँ, आप भी बुझाओ वहीं से बुझाओ बैठे बैठे, तो आपको भी ये जो है तो डार्क पार्ट कितना डार्क है आपको और ज्यादा डार्क दिखेगा, तो उसे आसान हो जाएगा इस शेडिंग को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है लक्ष्मी मैम, तो बेसिक पहले आप उस फॉर्मेट में डालिए तो सब फिर हो जाएगा ठीक। स्केचबुक अच्छा होता है, स्कॉलर का स्केचबुक है जो कि अच्छा होता है। तो अभी क्या है, नोज जैसे चेहरा थोड़ा ऊपर होता है, नोज का जो सुराग है वो थोड़ा सा देखने लगता है, थोड़ा सा यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है कि थोड़ा नीचे का जो सुराग है दिख रहा है। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत एक शेडो गिर रहा है, उसे जरूर मेंटेन करूंगा, अच्छा लगेगा इस शेडो से। तो ये नोज के ऊपर भी शेडो है, ऐसा नहीं बचेगा, ये भी यहाँ पे शेडो बन रहा है वो हम डालेंगे। अपर वाला लिप्स जो है हमेशा डार्क शेड होगा, लोअर वाला में ज्यादा नहीं।
लोअर वाला लिप्स कैसे बनेगा, उसके नीचे शेडिंग से, उसके नीचे शेडिंग जो है उसको एक जो घुमाव है लिप्स की, जो घुमाव है वो देता है। तो इस तरह से शेडिंग करके नीचे आना, लाइट एंड शेडोज। ठीक है, कैसे पेंसिल्स को चला रहा था वो भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये डायरेक्शन पहले ध्यान रखना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करो बेसिक फॉर्म में, उसे डालो तो फिर सब कुछ थोड़ा सा मिलता जाएगा। तो मुश्किल नहीं है, जो बेसिक जो डिवाइड है उसे उसे जरूर रखिए, ध्यान में रखिए, तो फिर एकदम एग्जैक्ट मिलने की जरूरत नहीं है शुरू में, धीरे धीरे नेचर आपको कनेक्ट करते जाएगा। तो इस पोर्ट्रेट के ऊपर मैं जरा देख लेता हूं जो आप लोगों ने काम किया है। ओके स्वाति जी है तो ये जो है कि ये जो साइज है सेम हो गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जैसे टोपी आ रहा है, ये टोपी बाहर जाएगा, ऐसे ऐसे बड़ा होगा टोपी का हिस्सा ऊपर वाला। उसके बाद ये चेहरा आ गया, ये ज्यादा लंबा आ गया ये, हाँ इसके बाद शेडिंग डार्क हो जाएगा काफी अच्छा। नोज का शेडिंग है, आईबॉल पूरा नहीं दिखता ऐसे, पूरा आईबॉल नहीं दिखता। आईबॉल कैसे दिखता है, जैसे ये आंखें है ऊपर में दिखता है, तो कितना आईबॉल दिख रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड होगा। थोड़ा सा नोज लंबा हो रहा है, तो यहाँ से लेकर के ये नहीं सर, वो मेजरमेंट ही गलत हुआ है, मैंने आप हाँ। जैसे दिखाया ना वैसे मैंने मेजरमेंट नहीं लिया था, मैंने सीधा मेजरमेंट लिया था, वो मुंह को ही राउंड करके उसका मेजरमेंट लिया था, इसलिए मुंह का पोर्शन ज्यादा लंबा लग रहा है और टोपी ठीक से मतलब लग रहा है कि सर के ऊपर बैठा नहीं है। ओके तो ठीक है, तो मेन जो है हमारा कई बार हमको पूरा पूरा देखना पड़ता है उसके मेजरमेंट है ना ऊपर से नीचे तक। कई बार हमको क्या होता है कि ऐसे टोपी वगैरह कुछ नहीं, उसके बालों का पार्ट से शुरू है ना, तो सिंपल तो ऊपर से ही हम ले लेते हैं, ऐसे भी करते, बट आपको ध्यान रखना है कि आईब्रो जहाँ पे एक बार लाइन ड्रॉ कर दिया उसके बाद इसमें और इसके साथ ये फोरहेड, तो तीन डिवाइड है ना। हाँ सर, आपको ये महसूस होना चाहिए फोरहेड कितना, मतलब कपाल जो है कितना दूर तक जाएगा, वो थोड़ा सा महसूस तो होना चाहिए। तो अगर ये इतना है
तो नोज भी उतना ही है और ये दाढ़ी भी उतना ही है, जो सिस्टम यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए, है ना। हाँ सर, तो ठीक है, अच्छा अच्छा नोज मैं का। और एक बार बनाती हूँ सर, इस बार हाँ, मतलब तीनों इसका पूरा मेजरमेंट ठीक नहीं हुआ है सर, और मैं आंखें इसको और एक बार आंखें बनाती हूँ सर। और आंखें कैसे बनाना है, पूरा पूरा गोल नहीं बना देना, उसको गोल नहीं है, ऐसे है थोड़ा, तो भी ध्यान रखना है। ठीक और ठीक है, शेडिंग वेडिंग कुछ अच्छा हो रहा है, पहले से तो बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा, सर, नो प्रॉब्लम। पहले से तो थोड़ा ठीक ही है, लेकिन सर वो मेजरमेंट में अभी भी गलती हो रहा है सर। उसको पहली लाइन लकीरें डाल दो, जिससे वो तो ओके नया मैम, आई बॉल सर, काफी बड़ा हो गया यस उसके सर, अनुपात में, तो ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है, बस छोटे छोटे जो एरर है वो बस आपके आंखों में नहीं आया होगा, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। यही तो होना है कि हमारे आंखों में नहीं आया, अगर आता तो आप खुद ही ठीक कर लेते। तो एक तो है कि इसके आंखें जो आई बॉल है थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, और दूसरा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ से जो स्पेस आ रहा है उसका, उस उतना स्पेस का जो लास्ट नोज का एरिया उतना बढ़ेगा, मतलब ये नोज क्या होगा, छोटा हो गया नीचे, छोटा छोटा हो गया। ओके। हो गया। तो ये जैसे ये आंखों का लाइन है तो आप महसूस करो इतना चौड़ा उसका नोज का ये बनेगा डाया। अच्छा, दूसरा है कि ये होंठ भी ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, थोड़ा ऊपर वाला लाइन, हाँ, आंख भी वैसे ही आना चाहिए, आंख भी नहीं ऐसे गया ही है। है। हाँ, आंखें थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाकी तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था। और जैसे यहाँ पे जो लाइट दे दिया छोटा सा लाइट, तो इससे क्या होगा, वो नोज पतला होगा वहां के बहुत ज्यादा, एक्चुअली नोज का यहाँ पे कितना है तकरीबन, ये भी ज्यादा हो गया सॉरी, तो तकरीबन इतना तो होना चाहिए, और फिर नीचे आंखें इतना हो जाता है ऐसा, तब वो सही बैठता। आंखें थोड़ा बड़ा हो गया, आई बॉल बहुत बड़ा हो रहा है, आई बॉल एक्चुअली कैसे दिख रहा है, आई बॉल कुछ ऐसे दिख रहा है, आई बॉल ऐसे दिख रहा है ना, मतलब पूरा राउंड नहीं दिखता आई बॉल। राउंड कब दिखता है, जब गुस्से से दिखता है बड़ा बड़ा आंख करके, तब पूरा आई ओके बॉल दिखता है ना, ओके तो वो ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक और क्या हो रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा जो आंखों में आ रहा है कि ऐसे ऐसे जाना चाहिए। है सर। वो सर टेढ़ा नहीं रखा है ना, इस ये जो एक हाँ स्टार्टिंग मिस्टेक है वो मुझे नहीं समझ आया कि हेड टिल्टेड जो होना चाहिए। हाँ थोड़ा सा यस, फिर उसके साथ सारे चीज आ जाता है। अच्छे तो मैम आए क्या, ये वाला स्पेस ज्यादा दे दिया आपने, तो यहाँ पे वो आना चाहिए हेयर वाला पार्ट। दूसरा है क्रॉस शेडिंग करो ऐसे से, और ऐसे से भी शेडिंग डालो, क्रॉस शेडिंग भी हो सकते, यहां से शेडिंग यहां से चालू चालू होके फिर नीचे डार्क होते जाएगा, बस राइट में थोड़ा ये वाला एरिया कम पड़ गया, ये जो नोज का लाइन शायद यहाँ पे आना चाहिए, तो फिर परफेक्ट होगा। अदरवाइज हमको क्या करना है कि इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे हेयर वाला पार्ट बड़ा हो, कि दोनों तरफ बड़ा बड़ा है इस तरह से, और ऐसे हेवी होने के बाद फिर ये भी बड़ा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, गुड। नोज का ये जो साइड वाला हिस्सा कम ज्यादा हो सकता, बट इतना ज्यादा कम ज्यादा नहीं, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा ऐसा नहीं, हल्का सा होगा। ओके, मिकी मैम है क्या, काफी अच्छा है, जैसे ही शेडो दे रहे हैं आप और ज्यादा यहाँ पे दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये एरिया शेडो के अंदर है, तो दे देंगे ना मजा आ जाएगा, शेडो की वजह से इस कंपोजिशन का मजा है। और फिर जैसे आपको ये लाइट दिख रहा है, दोनों आंखों के पलकों को बुझाओ, इससे लाइट तो नहीं आई है, इसके बराबर भी नहीं है, तो इससे थोड़ा सा डार्क है, तो क्या करना हमको, ये शेडिंग यहाँ पे आएगा और फिर ये डार्क चाहेगा, तो बहुत ज्यादा लाइट देने से वो जो मोर मोरना है वो मोर नहीं रहा है, और जो होंठों का जो ऐसा वो मूवमेंट चाहिए। काफी कुछ ठीक बनाया आपने, ये जो है शेडिंग करते हुए ऐसे नीचे चला जाएगा, और ये जो लाइन यहाँ से जाएगा अंदर से थोड़ा, ये लाइन यहाँ से जाइए, सडनली आपने ये गर्दन छोटा करके ऊपर कर दिया, तो ये थोड़ा नीचे आने दीजिए, फिर ये जाइए, अच्छा हो रहा है, गुड।
हाँ ये अच्छा किया आपने, उसकी जो मूवमेंट उसके जो इसमें मैंने नोज का नीचे नोज का शैडो रुका शैडो आएगा उसे मैं करेक्ट किया ठीक है उसके एकदम लग रहा है कि उसका जो गालों का एहसास है वो दिख रहा है आंखें भी अच्छा बनाए ये आंखें थोड़ा सा इधर से स्टार्ट होगा हल्का सा मतलब हल्का सा दूर जा रहा है बस और कोई एरर नहीं है एक छोटा सा एरर है कि वो जो आंखें थोड़ा दूर चला गया राइट और ऊपर चला गया हल्का सा मामूली सा उसी वही आंखों में आ रहा है बाकी बहुत अच्छा किया बस जो गर्दन का थोड़ा सा आइए नीचे और ऐसे जाइए ऐसे ऐसे ओके सर और वो कर्व वाला मैंने सोचा ही नहीं अच्छा फ्लैट सोचा ओके थैंक यू ठीक है गुड बाकी अच्छा है वेरी नाइस बहुत अच्छा किया आपने सहाना भी बहुत अच्छा किया गुड ओके सर इसे करने से होगा ये थोड़ा सा भारी लग रहा है ये ज्यादा डार्क दे दिया ये यहाँ से अलग हो रहा है तो यहाँ से शेडिंग करते हुए ये लेके आना है नीचे ये बहुत ज्यादा डार्क हो गया इतना डार्क की जरूरत नहीं है ओके सर अच्छा गुड चलो नेक्स्ट पे चलते हैं तो शाजिया मैम थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे तो मैं रिव्यू कर पाऊंगा है ना जितना भी होगा ये अभी जो किया क्या पेंसिल में किया सर आपने ये स्टडीलर का डबल ही दिया बट कभी हार्ड चल रहा है मुझे शायद पेपर भी दूसरा लेना पड़ेगा एक्चुअली क्या है हमको स्टडीलर का क्या नंबर बताया सर डबल ई है ओ ऐसा कोई नंबर है डबल ई है चारकोल जैसा इसके बी एफ दिख रहा है मुझे चारकोल पेंसिल जैसा अगर डबल ई ना हो चिंता सो वी कैन यूज मे बी 4B यूज कर सकते हैं कुछ भी कीजिए ना क्या फर्क कुछ भी ओके जो भी सॉफ्ट है आपके पास सॉफ्ट पेंसिल थोड़ा सा नरम होने से हल्का हाथों से चलेगा मतलब आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करेंगे है ना कि वो लाइन ही नहीं आ रहा है पेंसिल को ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी पेंसिल मार्क अच्छा कर रहा है उनके साथ शुरू कीजिए अच्छा तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जैसे हम बातचीत कर रहे थे स्टार्टिंग में कि इस तरह से इसका जो डिजाइन है जो बना हुआ है उसके लेंथ उसकी चौड़ाई क्या है उसको हम बॉक्सेस के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे जैसे कि ये लाइन ऐसा जा रहा है शोल्डर का ये लाइन मैंने एक लगा दिया फिर यहाँ पे एक बॉक्स जैसा हाथ के जरिए बॉक्स हमको दिख रहा था तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एक ये जो गर्दन का ये जाता है फिर यहाँ पे उसके चेहरा आ जाता है चेहरा जो है इस एंगल से है हम महसूस कर सकते हैं इस एंगल से है फिर यहाँ पे इसके शोल्डर ये जो लाइन जाता है इसी से ये शोल्डर घूमता है ओके और इस लाइन के साथ साथ क्या होता है ये बाजू नीचे आता है तो हमको इस तरह से मिल जाता है ड्रॉ करना तो बेसिक इस तरह से आप पुतला के मापिक आप इस तरह से लाइन लगा सकते हैं और उसके बाद हमें इसे धीरे धीरे इसे अंदर डिटेल्स करना है तो देखो ये पहले जो है इस एंगल्स पे दे दिया मैंने फिगर के जो बनावटी को जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था उस समय अच्छा तो यहाँ पे क्या है कि ये हाथों के फिर नीचे से एक कपड़े के कोड और आप बैठते हैं जब यहाँ के जो थाई है साइड के वो यहाँ पे आ ही रहे तो ये तो लाइन जा ही रहा है फिर ये एक इस तरह से हमें देख रहा है ओके तो ये जो है एक्चुअली क्या हो रहा है ये पांव थोड़ा सा ऊपर है तो घुटना यहाँ पे महसूस हो रहा है कपड़े के अंदर से और फिर ये जा रहा है ऐसा उसके पांव जो है इससे जा रहा है और ये वाला जो घुटना थोड़ा डाउन होके फिर ऐसे जा रहा होगा शायद पानी में तो ये थोड़ा सा महसूस करना होगा तब जाके आप उसके अंदर और ज्यादा आराम से समझ सकते हैं और यहाँ पे ये जो है एकदम स्ट्रेट लाइंस है और फिर आपको देखना है जो शीटिंग है शीटिंग एरिया है कहाँ से वहीं से लगाना पड़ेगा किधर भी लगा देने से वो बैठेगा नहीं अजीब सा गरीब सा बैठेगा वो फिर तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है कि ये जो शीटिंग एरिया है इसकी जो फोल्डिंग कहाँ से ये जो स्टेप्स के लाइंस कहाँ से निकल रहा है वो भी हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है तो देखो बेसिक अगर इस तरह से भी हम एक फॉर्मेट बनाते हैं तो भी हमको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ है राइट
और ये फॉर्मेट ही चाहिए, इसके जरिए आप सब कुछ बना सकते हो। तो ये हो गया बेसिक। अभी इसके अंदर हम डिटेल में चलते हैं, आगे अंदर बढ़ते। डिटेल में क्या, हमने देख लिया कि एक चेहरा है यहाँ पे, इस समय हमको उसकी जरूरत नहीं है कि नोज ये वो, उतना जरूरत नहीं, बस आप एक प्लेस करना है इस तरह से करके छोड़ सकते हैं, ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं। जब नोज आंखें हम पोर्ट्रेट के अंदर सीखेंगे, बट यहाँ पे अगर छोटा करके आप दे सकते तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, आप दे सकते तो दे दीजिए, अच्छा ही लगेगा थोड़ा छोटे में, क्या फर्क पड़ता है। देखो ये गर्दन तो ऐसे आया, बट ये जो शोल्डर है इस एंगल्स पे है, ये जो बाजू है यहां से जा रहा है, तो ये जो लाइन मैंने लगाया था वो काम आ रहा है। जिधर जैसे ओवल है उतना ही देना है।
जो कुछ कुछ शेडिंग है उसके पोजीशन को अच्छी तरह दिखाता है। ओके अशिता मैम आए क्या? तो पहला जो मैं बात कर रहे थे ये हाइट जाएगा, तो ये क्या हुआ, उल्टा हो गया, ऐसे हो गया, तो ये शोल्डर टू ये इधर को हाइट जाएगा एंगल्स, तो वो जो एक सामान उधर जो उठा के रखा करके महसूस सो देगा। तो पहला फॉलो वो करना है, दूसरा ये ठीक हो रहा था, दूसरा तीसरा ये हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम हुआ देखता हूँ, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये काफी लंबा दे दिया, तो काफी लंबा नहीं है एक्चुअली, क्या हो रहा है कि ये जैसे ये आ रहा है फिर ये कटिंग है, यस ऐसा, ठीक है। तो ये लंबा देने से क्या हो रहा है, वो फिगर लंबा बनता जा रहा है, फिर ऐसे, ऐसा नहीं, ये लंबा नहीं, ये यहीं पे खत्म है। दूसरा ये हो गया, ये लाइन हाइट जाएगा, ये हाथों का जो हाइट बन रहा है यहाँ पे, ये कलश जो है इस एरिया में आएगा, और गर्दन जो है ऐसे आ रहा है इस एंगल्स में। चलिए गुड, अच्छा है। ठीक है, ठीक है। और जो शीटिंग है वो देखो, फिर अब क्या हुआ कि यहाँ से बहुत लंबा हो गया तो नीचे डाल दिया, वो बैठा कहाँ, इधर है, तो यहाँ से आना चाहिए ना वो शीटिंग, यहाँ से यहाँ, तो बहुत जरूरी है वो लाइन जहाँ पे बैठा है वो कहाँ से वो लाइन बाहर जा रहा है वो देखना है। नेहा जी बहुत अच्छा किया, गुड, काफी अच्छा। ये जैसे हाथों का लग रहा है एहसास, ये हाथ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दूसरे का हाथ लगाया। Yes, sir. ना, क्या होता है हमारे हाथों की मुट्ठी खुली है और ये हाथ पूरा जो दाढ़ी से लेकर के जो फिंगर है फोरहेड तक भर जाता है, तो ये जो इतना सा हाथ इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं भरेगा ये, तो इस चीज का हमें माइंड में हर समय होना चाहिए, ठीक है। ओके। जो हथेली है हम मुंह के ऊपर रखिए पूरा ढक जाएगा नीचे से ऊपर तक, तो वैसे ही हम यहाँ पे अगर उनके हाथों को यहाँ पे रखते हैं तो वो ढकना चाहिए यहाँ से यहाँ। आप देखिए ये बच्चों का हाथ हो गया तो वो लग नहीं रहा, इसलिए दूसरा ये गया, ये गया, ये बहुत मोटा दिख रहा है, सडनली छोटा हो गया, तो वो ऐसे जाके आप कलश को छोड़ो, कम से कम ऐसे जाके ऐसे फिर ऐसे, तो शायद ऐसे आएगा यहाँ तक हाथ आएगा। ये हेवी ठीक है, वो नहीं हो रहा है, और ये तो बिल्कुल दोनों जो फिंगर है ना बच्चों का हो गया वो। ओके। और बाकी तो काफी अच्छा है, शेडिंग अच्छा है यहाँ पे बालों का, ये सब सेलवर्टे काफी अच्छा काम किया आपने यहाँ पे, जितना मुझे चाहिए था बिल्कुल परफेक्ट है, बस इन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। ओके सर। और वो घड़ा भी सर उसका ओरिएंटेशन नहीं आ रहा था ऐसे कि वो क्यों नहीं आ रहा है कि ये हाथ ज्यादा अंदर डाल दिया आपने, उसकी गर्दन के अंदर डाल दिया, कलर से ऐसा लग रहा है पिघल के वो टेढ़ा हो गया है ना। हाथों का लाइन कहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए यहाँ ऊपर ऐसे, तो ये यहाँ पे रहना चाहिए, तब वो क्या होगा, वो जो टिल्ट हो रहा है ना ऊपर की तरफ वो नहीं होगा। ओके। तो उसको वो मिले, और यहाँ पे एक डार्क शेडिंग है, ये एक शेडिंग है जिससे भी, और क्या हो रहा है ये बहुत गोल कर रहे दरअसल, ये क्या है थोड़ा सा ऐसे ओवल है, ऐसा ओवल है, उसको गोल कर रहे देखो, तो गोल करने से वो क्या होता है, हम गोल कब दिखते हैं, ऊपर ऊपर से, अभी कैसे भूल गया, देखिए ये गोल दिख रहा है, और जैसे हम कैसे दिख रहे हैं, हम ऐसे दिख रहे हैं उस सामान को,
तो जैसे आप वो गोल करेंगे तो आपके ये मटका आपके मुंह के ऊपर नीचे से हो गया एकदम, तो एकदम चेंज हो जाता है वो चीजें। और हमने क्या किया यहाँ पे वो जो शेडिंग डार्क दिया है तो इस तरफ दिया है वो, उससे भी वो घूमता है। करेक्ट करेक्ट। यस समझ गई मैं, एक बार और बनाऊंगी। लक्ष्मी मैम जी सर, अभी अपना रिव्यू बताइए। सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट था, एक शोल्डर मैंने वो क्रॉस वाला नहीं लिया। और ये हाथ का प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है पूरा आर्म बहुत ज्यादा लंबा है दे दिया। हाँ राइट। और लेफ्ट लेफ्ट हाथ ना वो भी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा लंबा है कंपेयर टू हर फेस, और शायद शायद बहुत पतले हैं उसके। हाँ, तो ये भी और था। ये हिप्स भी अभी जो आप बता रहे हैं तो एक्चुअली अभी ये पिक्चर देखती हूँ तो हिप्स डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन मैंने ड्रॉ किया तो मुझे जो दिखा वो ड्रॉ। हाँ यहाँ से ये जो स्पेस ज्यादा दे दिया तो यहाँ पे कपड़े का यहाँ होते हुए तुरंत ये हो जाएगा ये से। और दूसरा है कि ये हाथ कैसा है कि ये ऐसा है एक रिस्ट, ये रिस्ट मान लो रिस्ट एरिया, तो उसके बाद ये ऐसे आता है, ऐसे आता है ये जो ये हथेली वाला एरिया है, हथेली वाला, उसके बाद ये फिंगर चलता है, ये उसके बाद फिंगर चलता है। मैंने हजार बार रब करके ड्रॉ किया है सर, वो क्या है मुझे ही पता नहीं। कोई बात, I found this very difficult, सबसे यही चैलेंजिंग लगा। कोई बात नहीं, ठीक है। और देखा ना करूंगी सर, या कोई दिक्कत नहीं, जब करेंगे तभी तो डिफरेंट डिफरेंट हम इसलिए तो देते हैं कि उसमें सीख पाएंगे। अच्छा काकुली मैम है क्या, ये ऐसे करके देखो ऐसे हो गया तो अचानक घूम गया, तो वो उसमें थोड़ा सा धीरे से ऐसे आप घुमाते तो और स्मूथ लगता। ओके दूसरा है कि नोज इतना लंबा दे दिया, जाएगा नहीं है तो वो भी नहीं होना चाहिए, अगर कर रहे तो प्रॉपर होना चाहिए। ये बनावटी अच्छा है फिगर के, ये भी ये बहुत खूबसूरत बना है, वेरी नाइस। ये हाथों में आपको प्रॉब्लम दे दिया, बाकी ये भी ये जो बैठा है एकदम प्रॉपर वो लग रहा है महसूस से। इसके गर्दन का ये लाइन थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि ये तो ज़्यादा नीचे आ गया चेहरा, चलेगा इतना वो इशू नहीं है, ये हाथ ज़्यादा इशू कर रहा है। बाकी यहाँ पे एक डार्क दीजिए जिससे वो एक डेप्थ मिल जाएगा, काफ़ी खूबसूरत है। गुड स्वाति जी, एंगल्स और जाएगा इधर और ये ऊपर जाएगा बाजू और ये ऐसे करके आ जाएगा, फिर मटका यहाँ पे आएगा ऊपर। ये जैसे लग रहा है ना यहाँ पे कट गया, तो ऐसा नहीं, वहाँ पे भी एक शेडिंग दो ना यहाँ पे बाजू पे अंतर्दीप, तो अंदर ये अंदर साइड यहाँ पे अंदर आर्म्स में यहाँ पे शेडिंग आएगा ना, तो वो राउंड दिखेगा, जैसे लग कट गया यहाँ से। बाकी गुड, अच्छा है, अच्छा काम हुआ, शेडिंग भी अच्छा है, बहुत अच्छा किया, गुड। बोलची मामा कल का आउटडोर जावे, फोन आ रहा था मैं बिजी था तो देखता हूँ ना क्या, व्हाट्सएप मैसेज किया क्या? ना ना कोई, और देखेंगे ना वेदर, देखो बारिश तो नहीं है, कल बारिश नहीं होगा तो जाएंगे आउटडोर। ओके सहाना, यस सहाना थोड़ा आप बताओ क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या ऐसा महसूस कर रहे हो आप? सर हैंड वेरी थिन हुआ सर। और देखो वो बाजू, ये दोनों बाजू इसका लग नहीं रहा है ना? यस सर। हाँ बाकी आपने स्टार्टिंग बहुत अच्छा लिया, और क्या हुआ ये वाला एरिया बोलो स्मॉल एरिया रह गया आपका, साइज पेपर छोटा रह गया, जो भी ये साइज के साथ चल रहे आप तो ये क्या होगा कि एग्जैक्ट जो जाना चाहिए आपके जो फिगर के साथ। अब तो इतना अच्छा काम करते हो ये सब, कितना अच्छा खूबसूरत किया है,
बाकी बहुत अच्छा है और आपके जो पेशेंस है वो दिख रहा है हमें। आपको क्या करना है कि इतना डिटेल्स आने से पहले उस बेसिक जो एक्यूरेट करना है उसकी फॉर्म को, है ना, कि कहाँ तक उसके बाजू जाना चाहिए ये सब, तो वो भी जरूरी है साथ साथ। चलो ठीक है, आपने जितना किया बॉयल एंड गुड है इतना तक तो बढ़िया किया आपने। अभी मैं बताता हूँ कि ये जो बाजू जो है यहाँ तक ये ऐसा ऐसा जाना चाहते हैं, मतलब जो आपके जो फिगर है फेस है फेस के अकॉर्डिंग ये ऐसा जाना चाहते हैं, ठीक है, ओके और सर, फिर ये ऐसे जाएगा। तो ये जो मटका जो है इस एरिया में आ जाएगा, जो भी पानी वाला। फिर इसके बाद ये देखो बाजू यहाँ से जा रहा है, क्योंकि ये काफी बड़ा चेहरा है ना, तो जिसके साथ ये ऐसा जाएगा, इतना बड़ा होगा ये। फिर यहाँ पे ये क्लॉथ वाला, फिर ये वो जो बैठने वाला यहाँ तक आएगा, ये ऐसे, तो पूरा ये भर जाएगा ये नीचे, ठीक है, तब जाएगा ये लगेगा ये ओके सर। यहाँ पे आएगा। ये लाइन कंटिन्यू निकलना है, नहीं तो वो फिर स्टेप्स जो है नहीं लगेगा। कंटिन्यू निकालो फिर इसको मिटाओ, ये तरीका, ठीक है। तो फिर ये जाएगा, देखो अभी अभी शाम समझ में आ रहा है जो फिगर का जो कितना बड़ा जाना चाहिए। तो यस स्किन सर, स्किन शॉट ले सकते हैं आप, तो आपको समझ में आएगा बाद में। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके। चलो और क्या रह गया, और एक था ना कुछ और। शाजिया मैम कैसे लग रहा है? वेरी चैलेंजिंग अचिंत्या। नहीं, आपकी कैसे भी पुतला बनाइए किच भी बनाइए, ये ओके, क्लास है जहां पे हम इसको ठीक कर सकते हैं, आप करना ही पड़ेगा, ठीक। बिल्कुल 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 मेरे को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पुतला बनाइए। तो ठीक ठीक हाँ कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे सब अच्छा नहीं कर रहे, अच्छा करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं ना। सही बात है, सीखने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल तो अगर कुछ नहीं है, मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि कितना इजी तरीके से उसको समझ पाते हैं हम, वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जैसे आप पोर्ट्रेट वो फेस का बता रहे थे कि कि कितनी जगह होनी चाहिए बिटवीन द आईज एंड नोज, वो सब मुझे बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। सो अच्छा, इट्स कंप्लीटली न्यू फॉर मी। तो अब हाँ ये कि उसको और एक एक आध बार देखा कीजिए वीडियो को, तो होगा। और ठीक ठीक बहुत ज्यादा करने के अच्छा छोटा सा या एक सिंगल बनाइए पूरे हफ्ते में बेशक, बट ओके उसको बार ओके बार ठीक देख के उसको समझ के करेंगे तो भी ठीक रहेगा। ओके साउंड्स गुड। यहाँ पे मैं जैसे कह रहा था, और ड्राइंग में क्या एक फ्लो चाहिए, एकदम ऐसे 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 लाइन जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के हाँ नहीं हाँ चाहिए, तो हाँ नहीं फ्लो जाइए, बिल्कुल गड़बड़ होने दीजिए, बाद में ठीक हो जाएगा, जब जिस दिन ठीक होगा काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक अभी है। क्या है उसको फ्लो, जैसे अभी हमें हम जैसे बात कर रहे थे एक अंडा यहाँ पे दिख रहा हमको, देखा जो हाँ एंगल्स है इस एंगल्स में है, और हाँ, पहले पेंसिल से एंगल देखना है। ओके हाँ इस एंगल्स में है ना अंडे का, अंडा अंडा खड़ा नहीं है ऐसे लेटा हुआ, लेटा हुआ तो ऐसे नहीं लेटा ऐसे लेटा है, तो ये कौन ठीक सा, ये तो ये जो है यहाँ पे एक बना दिया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ठीक इस एरिया से जो गर्दन काफी ऐसे घूम रहा है, ऐसे गर्दन घूम रहा है, और यहाँ पे एक बड़ा सा बॉल बनाओ और फिर इसके नीचे एक छोटा सा बॉल बनाओ, तो देखो ये हॉर्स का महसूस हो गया ना, बिल्कुल बस इतना महसूस हो गया, तो फिर इसमें बस इसमें हमने भरना ही तो है। अभी जो एकदम से उसी पे तो डिपेंड नहीं, थोड़ा सा अप एंड डाउन जाएगा वो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस हम करना है। अभी जैसे यहाँ पे एक पार्ट है, यहाँ पे डिवाइड होता है, एक कट है यहाँ पे मसल का, वो कट दे दिया, ओके। अभी क्या होगा कि इसकी जो लेग्स कितना बड़ा है ये, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी एरिया को लेकर के कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे कि हम सपोज करते इतना है तो ये इतना है, या तो इसके साथ कैलकुलेटिंग कर सकते हैं, अच्छा इतना है तो इतना है, मतलब इतना बराबर नहीं उससे छोटा है, तो भी कैलकुलेट वैसे भी कर सकते हैं। और एंगल्स देखो, ये इस एंगल्स में गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये जो है यहाँ से ऐसे गया, यहाँ पे एक घुटना है, फिर ये थोड़ा इस एंगल में डाउन हुआ, फिर ऐसे गया। तो स्टार्टिंग में आप इस तरह से भी इसे करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये तो एक लाइनिंग हो गया। फिगर एनिमल, जब भी पाओ का ये जो बीच जॉइंट आता है वहां पे एक गोल बना दो, उससे बड़ा आसान हो जाता है उसको आगे जोड़ना। इस तरह से छोरा नहीं दिख रहा, कई बार ऐसा होता है परफेक्शन जो है लाइट एंड शैडो से आता है। एक्चुअली जो हॉर्स भागता है तब क्या था, इसके जो लेग्स है ना बहुत उल्टा सीधा गिरता है, कई बार मैंने रेफरेंस कलेक्ट किया उसका लेग्स ऐसे अजीब से गिरता है ना, उसको देख के मैं बनाता नहीं, क्योंकि उसको बनाएंगे ऐसा लगेगा यार कैसे लग रहा है। आप भी फॉलो कर सकते हैं इसके बाद तो देखेंगे, जो भाग के तो आ रहा है उसके जो पांव ऐसे टेढ़ा सा होके गिर रहा है अजीब सा लगेगा। अभी यहाँ पे देखिए पीछे वाला ये दिख ही नहीं रहा यहाँ,
स्वाति जी है क्या? खाना पक रहा है? क्लास में नहीं है? ओके, तो क्या है कि ये अंडा बहुत बड़ा हो गया, तो अंडा का थोड़ा छोटा, जैसे यहाँ तक है अंडा, है ना, तो इसके ऊपर से ये सेंटर जाएगा। तो मैं आपके इस चेहरे के साथ आते हाँ चेहरे के साथ आते हैं, तो इधर चेहरा है तो यहाँ ये भी ठीक है, बट पीछे इतना बाहर जा नहीं रहा, नहीं जाना उतना दूर, तो ये यहाँ हाँ, तो देखो जो ये है ना, ये इसके बाद कितना दूर बाहर जा रहा है, उतना नहीं है, तो बहुत बाहर चला गया। तो पहले क्या करना है कि इस तरह से छोटा सा मैंने मतलब इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे ना, बिल बना के या इस तरह से लाइन डाल के, तो आप फिर बाहर नहीं जाएंगे उसके, इतना एरिया में ही आना मांगता है, ठीक है? ओके सर। ओके अश्विता मैम, ये जो है ये देखो, एक राउंड है, सीधा एक राउंड है, तो ये जैसे लेग्स बड़ा है उसकी सबसे फिगर भी थोड़ा सा हेवी होना मांगता है, ये एंगल्स और जाएगा इधर, ये ज्यादा लंबा हुआ, ये ज्यादा ऐसा यहीं पे खत्म होगा ऐसा। एक बड़ा सा गोल है, छोटा सा गोल है, ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये ज्यादा छोटा हो गया, तो ये थोड़ा सा ऐसा, फिर ये घूमेगा, ये ऊपर से घूमेगा, पांव भी, ये जो पांव कैसा है कि ऐसे आता है, ये जाता है नीचे, फिर ऐसे आता है, सर ये नहीं सर दूसरा नहीं, ये भी अच्छा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें जो मिस्टेक्स है वो फोटो लेने के बाद, एक्चुअली फोटो में क्लियरली दिख रहा है मिस्टेक, तो फिर से किया है। हाँ फोटो में, इसलिए बार बार फोटो लेना चाहिए मालूम, नहीं काफी अच्छा किया आपने, कोई दिक्कत नहीं, वो तो एंगल फेस का एंगल रॉन्ग है ना सर, नीचे की तरफ नहीं देख रहा है, साइड में देख रहा है, ओरिजिनल रेफरेंस में नीचे टोटल ये देख रहा हूँ, बस एक थोड़ा सा ये है कि ये जैसे है थोड़ा सा यहाँ यहाँ से, मतलब ये ज्यादा डाउन में आ गया, तो यहाँ से जाएगा ये एक्चुअली, वो आपने थोड़ा कर्व दिखाने को बोला, हाँ इस एरिया में क्या साइनिंग है उसके ब्राउन उसके ऊपर, तो ये लाइन है ऐसा, यहाँ पे जो भाग है ना उसको अलग रखना है शेडिंग के टाइम। हाँ एक्चुअली वो मसल्स मेरे को समझ में नहीं आया सर, अभी आपने किया था, ये मसल ऐसे जाएगा, फिर ये यहाँ से जाता पाँव, यहाँ पे डबल आता है, ऐसे बाहर से एक बार आएगा फिर ऐसे आएगा, ठीक है गुड। ये जो है कैसा है कि
ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है जी सर। तो लास्ट में एक इस तरह से आके यहाँ पे स्पेस मिलता है, फिर ये वाला नाखून वाला एरिया ये है। हो गया, किसी कोई सवाल है क्या? सर एक एक और है, मेरा वाला हॉर्स आगे है बहुत पहले। ओके देख लेता हूँ। सर ये हैचिंग और शेडिंग में कोई एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं सर? क्या 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 क्या, क्या चीज का? ये हैचिंग शेडिंग दोनों आई एम नॉट लर्न, मुझे नहीं आता। ओके ये एक्चुअली बीच में आ रहा है, ये शेडिंग साइड से निकालिए, और हॉर्न्स जैसा दिख रहा है ना ये बीच में आ गया, तो ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ रखिए बाहर, जो ये अंदर आ गया लाइंस बाहर रखिए। ओके अच्छा, तो थोड़ा सा पेट हल्का हो गया, चलेगा, ये छोटा पड़ रहा है थोड़ा, थोड़ा सा हेवी होगा। ओके ये मोड़ने के बाद ये ज्यादा लंबा दिख रहा है, ये यहीं पे खत्म होगा। ये जो मुड़ रहा है ये छोटा रखिए मुड़ने के बाद। ओके ये ठीक बना है। ये जैसे ये कड़क सा सीधा भाव हो रहा है, तो उसको हाँ। क्या करना है, ऐसे ऐसे महसूस होना चाहिए, कुछ शेडिंग ऐसा डालना है जो गर्दन का ऐसे चलने का महसूस हो। राइट, ये काफी, तो क्या कर सकते हैं फिर उसमें? इसमें वही है कि आपको कुछ शेडिंग ऐसे करना है, ये जो लाइन थोड़ा सा ऐसे ऐसे देना है स्मूथ ऐसे, ये देखिए बदल गया। राइट राइट राइट, अच्छा अच्छा डन हो जाएगा। अकली मैम है, मूवमेंट अच्छा है, कर्व अच्छा है, ये वाला ज्यादा मोटा हो रहा है ये बाकी हिस्सों से, तो थोड़ा सा जो हेवीपन है थोड़ा कम होगा यहाँ पे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग में। और ये थोड़ा सा दिखाया मैंने, ये दिखाया कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं फ्लो अच्छा है, पेंसिल घुमा अच्छा है, गुड। स्वाति जी या स्वाति जी दूसरे, तो यहाँ पे वो खूबसूरत जो ये टर्न हो रहा है उससे ध्यान रखना है, और ये अंडा जो है यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा, फिर ये अंडे से उसके पांव जो है निकलेगा। चलो गुड, अच्छा है, होगा। थोड़ा सा बेसिक किस कैसा दिखने में आ रहा है वो थोड़ा सा करना है। अनिरुद्ध आए क्या? ये ज्यादा दूर हो गया, ये पास में है। तो बेसिक वो लाइंस लगा के कुछ जैसे अंडा बनाया वो फॉलो करो, ड्राइंग फॉलो करो कैसे दिखाया, तो भी हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। हनीस अब बताओ कब दिखाएगा, तुम पहले करके क्यों नहीं सबमिट किया? मेरे बात को जवाब दो पहले, ऐसे ऐसे नहीं होगा ना,
मेरे साथ तुम कैसे ड्राइंग करेगा, मेरे बाद में भी बनाता हो तब भी सबमिट करो। अनिस, यस सर, दो ऑप्शन है, या तो मेरे क्लास हो जाता है, इन सबको बना के सबमिट करो, मैं रिव्यू करूं, yes, है ना, या दूसरा मैं जो सब्जेक्ट देता हूं उसको बना बना के सबमिट करो, दोनों ही करो, जो पहली बार आपको दिख रहा है वो भी करो, जो मैं दिखा रहा हूं वो भी करो। अभी साथ में बैठ के ऐसे करने से आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मैं जो स्पीड में चल रहा हूं आप उसके साथ मेरे तरफ से उस साथ में भी करो, बट मैं अभी क्या रिव्यू करूंगा, आपने क्या किया है उसको बना के पहले सबमिट करो, ठीक है, जो पहले का जो क्लासेस हो गया उनको देखो, बनाओ, सबमिट करो। तो सबसे उसी सबसे एक भी काम आपने सबमिट नहीं किया, दो हफ्ता हो गया, तीन हफ्ता हो गया, है ना, पहले क्लासेस देखा ही नहीं खोल के, है ना, समझ रहा है बात? यस सर। हाँ, तो पहले क्लासेस, अभी जैसे क्लासेस हो गया, इनको देखो, अच्छी तरह ड्रॉ करो, फिर सबमिट करो। बेटा मैं रिव्यू तभी करूंगा ना जब अच्छी तरह आपके देखूंगा सामान, अभी आप उठा के ऐसे दिखा रहे हो, ऐसे क्या दिखेंगे उसमें, है ना, आधा अधूरा दिखाओगे, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है। यस सर। आप जितने भी क्लासेस हो चुका सबको ड्रॉ करो और फटाफट सबमिट करते जाओ, ठीक है, तो फिर मैं बता पाऊंगा कहाँ मिस्टेक हो रहा है। उसके बावजूद आप क्या करना है कि इस क्लास में बैठ के मेरे साथ काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे फिर मुझे दिखा सकते हो, ठीक है, ऐसा करो। हाँ, मेरे साथ में आप नहीं कर पाएंगे, मेरे स्पीड के साथ आप नहीं कर सकते, आधा आधा होगा, इतना से मैं नहीं सीख पाएंगे आप, आपको पहले से करके सबमिट करना है, ठीक है। अभी भी जो बना रहे हो उनको कंप्लीट करके सबमिट करना, मैं नेक्स्ट वीक में जाके आपको रिव्यू करूंगा, ठीक है। हाँ, वहां पे डालोगे तो मैं अच्छी तरह उसको मार्क करके बता पाऊंगा, मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, फिर टाटा करते सभी को, ठीक है, नेहा मैम, सजय मैम, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, चिंतिया बहुत ही अच्छी क्लास थी, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल, ओके ओके, थैंक यू, चलिए जी, ओके, बाय एवरीवन, ओके, थैंक यू, बाय बाय, बाय सर, थैंक यू, अनिल जो जो कंप्लीट हो जाता है, गुड नाइट सर, गुड नाइट मैम, गुड नाइट सर, क्या कह रहे थे चिंतिया, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, मैं हनीश को बोल रहा था कि सबमिट करो बना के कंप्लीट करके, ओके जी, बाय, ओके, चलिए बाय, टाटा, बाय सर, थैंक यू सर।